जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक संबंधा हुआ है, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे पेंशन से जो पैसे गिरफ्तारी में हेलो इसमें ऐसी चीज नहीं है कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री और उनके बेटे पे FIR हुई है? मंत्री की बर्खास्त की भी मांग है, सब मंत्री के सर की मांग परेशान है, चिंतित है। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि अब दोषी है शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो FIR हुई है उस पर विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई में ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है 45 लाख रुपए है, जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने? सर सभी को दिया जाएगा। यहाँ पर कृषक है जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई, चार या पाँच पक्का नहीं, अभी चार ही का है। अगर चार इसके बारे में अभी सर एक न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। सर गिरफ्तारी को लेकर क्या हुई है? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दूसरे व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अरे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे आप। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन या जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ही निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंत के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों में जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है।